तो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल प्रजापति। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेटस वाले छात्र हैं जिनको ऑनलाइन करेक्शन करना है, और कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको ऑफलाइन करेक्शन करना है, और कौन से ऐसे स्टेटस वाले हैं जिनका ऑटोमेटिक स्टेटस सही हो जाएगा, उनको कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ ही बीए, बीटेक, बीएससी, बीफार्म, जो भी आपका कोर्स है, सभी का करेक्शन पोर्टल ओपन हो चुका है। कैसे आपको लाइव करेक्शन करना है और कौन कौन सी चीजें आप लोग ऑनलाइन करेक्ट कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप में भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं बताऊंगा कब तक आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने सारा स्टेटस लगा दिया। मिनिमम आपके 3 से 4 प्रकार के स्टेटस शो हो रहेंगे। किसको ऑनलाइन करना है, किसको ऑफलाइन, सब कुछ समझाऊंगा, बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। देखो, या तो आप में एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मिसमैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, या ऐसा शो कर रहा होगा नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, या तो आप में क्या शो कर रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, ऐसे करके कुछ आ रहा होगा। या तो आपका थर्ड नंबर आ रहा होगा कि कोर्स सस्पेक्ट लेवल, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मैच, या तो आपका फोर्थ नंबर आ रहा होगा कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। अब इन चारों में किसको ऑफलाइन करना है, किसको ऑनलाइन करेक्शन करना, सब कुछ बताऊंगा। अगर आप बोल रहे हो कि मेरा सर मेरा पोर्टल पे करेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। बाकी बैंक का भी इशू, देखो समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक यहाँ पर नोटिस आई है, छात्रवृत्ति संदेहास्पद डाटा के संबंध में उपलब्ध कराए गए डॉक्यूमेंट वांछित अभिलेख, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं नीचे दिखा देता हूँ, समाज कल्याण विभाग प्रयागराज, देख सकते हो प्रयागराज से ये अपडेट आई है, तो यूपी के हर जिले के लिए अप्लाई होगा। तो देखो, इसमें पहले ऑफलाइन करेक्शन के बारे में बात कर लेते, बहुत ध्यान से देखना यार, वीडियो बहुत मेहनत से बना रहा हूँ और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, पहला पॉइंट है मार्क्स मिसमैच। अगर आप में मार्क्स मिसमैच शो कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, गत वर्ष का अंक पत्र की छाया प्रति, मतलब अगर आप में मार्क्स मिसमैच शो कर रहा है, उसके लिए पिछले ईयर की मार्कशीट की फोटो कॉपी कॉलेज में देनी है। दूसरा, यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच विथ यूपी बोर्ड अदर देन बोर्ड टाइप यूपी, अगर ऐसा शो कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, छात्र छात्रा का हाई स्कूल की अंक पत्र की प्रमाणित छाया प्रति, मतलब हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की फोटोकॉपी कॉलेज में देनी है। थर्ड पॉइंट देखिए, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, ऐसा शो कर रहा है, या तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा शो कर रहा है, इन दोनों में से कोई भी, तो आपको पिछले साल की जो रिजल्ट है उसकी फोटोकॉपी कॉलेज में देनी है। ये सब ऑफलाइन करेक्शन की बात कर रहा हूँ। प्रमोटेड विदाउट मार्क्स जिन्होंने भरा है, उनको देखो क्या करना है, पाठ्यक्रम या कक्षा में प्रमोट होने का प्रमाण, तो प्रमोटेड विदाउट मार्क्स अगर आप भरे हो तो उसका प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो जब आपका नंबर मतलब आ गया होगा, या तो आप रीजन नॉट डिक्लियर, या तो प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, या तो प्रमोटेड विद मार्क्स आप फिल किए होंगे, तो उसको करेक्शन के समय इसको ऑनलाइन जाके आप करेक्शन कर लेना, अपना नंबर भर लेना, अभी बताऊंगा कैसे करना है। अटेंडेंस लेस देन 75% अगर शो कर रहा है, तो आपको ये प्रमाणित मतलब छाया प्रति फोटो कॉपी देनी पड़ेगी प्रूफ के तौर पर कि आप कॉलेज में 75% अटेंडेंस आपकी है। ये चीजें हो गई। उसके साथ ही नीचे देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर आपके स्टेटस में पेंडिंग एंड डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी शो कर रहा है, तो इस केस में पोर्टल खुलने पर यह स्वतः फॉरवर्ड हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हो गई, पेंडिंग शो कर रहा है तो ये अपने आप वेरीफाइड होगा, कोई करेक्शन किसी चीज की जरूरत नहीं है। दूसरा बोला गया है, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी है, तो बैंक में जाकर केवाईसी करा लीजिए, डीबीटी इनेबल करा लीजिए, ये भी हो गया। थर्ड नंबर है, बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज ब्लॉक्ड, इसके लिए जाके बैंक में केवाईसी कराना है। फोर्थ नंबर है, आईएफएससी कोड इधर नॉट प्रेजेंट आर करेंटली इनएक्टिव इन योर टीबीआई बैंक ब्रांच, तो इसके लिए संबंधित बैंक में जाके आपको केवाईसी करा लेना, इन सभी इशू के लिए केवाईसी करा लेना। ये हो गई ऑफलाइन करेक्शन के बारे में बात। अब देखिए, लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा या जो इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर वाली प्रॉब्लम है, या एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट वाली प्रॉब्लम है, देखो एक छात्र का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर चंदन कुमार जी का था और यहाँ पर मास्टर ऑफ आर्ट एमए के छात्र थे, लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा था, लेकिन अब आप देख सकते हो 19 तारीख को इनका ऑटोमेटिक सही हो गया और पेंडिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, वही छात्र है चंदन कुमार एमए के छात्र, तो लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा या एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, ये तो श्योर है अपने आप सही हो जाएगा, अगर आप ये श्योर हो कि आपने सब कुछ सही भरा था। चलिए ऑनलाइन करेक्शन के बारे में बात करते हैं, पोर्टल पर चल के कि जिसका नहीं ओपन हो रहा उसको कैसे सही करना है, और पोर्टल में एक्चुअल में कौन कौन सी चीजें आप चेंजेस कर सकते हो, क्या बैंक चेंज होगा,
क्या नाम चेंज होगा, क्या कॉलेज का नेम चेंज होगा, क्या फीस रसीद चेंज होगी, चलिए समझते हैं। आपको क्रोम ब्राउजर पर boardsexam.com सर्च करके इस पहली वाली वेबसाइट पर चले आना है। इसके साथ ही आपको यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन 2022-23 का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, आप लोग क्लियर देख सकते हो। तो यहाँ से आपको ऑनलाइन करेक्शन करना है। देखो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो है अपने हिसाब से आप लोग कर लोगे, ये तो आप लोगों को पता ही होगा इतना। तो देखो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। तो रिन्यूअल का मैं एक छात्र का करके दिखा रहा हूँ, सारा कुछ डाटा फिलअप करके, और मैं दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा अभी आपको कि कैसे कैसे क्या क्या करेक्शन हो रहा है ऑनलाइन करेक्शन में। देखो ये सब चीजें मैं फिलअप करके फिर आपको आगे बताता हूँ। डाटा फिलअप कर लिया, आप लोग लाइव देख सकते हो, कोई स्क्रीन शॉट नहीं लगा, यहाँ पर सब कुछ ऊपर देख सकते हो, लाइव चल रहा है। ये देखो इस कारण से फीस रिबर्समेंट ये सब लाइव चल रहा है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि लाइव है। और यहाँ पर देखो एप्लीकेशन का जो है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर बता भी रहा है कि आप में ये गलती है। अब इनका यहाँ पर पोर्टल देख सकते हो, मैंने कुछ चीजें हाइड कर रखी है क्योंकि पर्सनल चीजें हैं। तो यहाँ पर देखो ये सारी चीजें आ रही है। अब इसमें से क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या नहीं चेंज हो रहा, देखो ऊपर वाली जो भी चीजें हैं, जैसे ये माता पिता का नाम, आय प्रमाण पत्र की संख्या, ये सब अगर टच करोगे देखो कोई भी चीजें नहीं खुल रही है। जैसे पिता का नाम चेंज करना चाहते हो, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मतलब जात प्रमाण पत्र, जो भी, ये सब चीजें देखो नहीं चेंज हो रही है। अगर बैंक आप चेंज करना चाहोगे, बैंक का यहाँ पर नेम, या तो बैंक का नेम या उसका आईएफएससी कोड, देखो कुछ भी नहीं खुल रहा है। अगर आप यहाँ पर सीमित नंबर, गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, मतलब आपके रिजल्ट में कोई गड़बड़ी थी तो उसको चेंज कर सकते हो। देखो इस पर जैसे सिलेक्ट करोगे, देखो आ जा रहा है यहाँ पर कि आपकी वार्षिक प्रणाली या सेमेस्टर प्रणाली, जिसका वार्षिक प्रणाली है वो नंबर फिलअप करेंगे, और जिसका सेमेस्टर प्रणाली है वो CGPA आता है उसको फिलअप करेंगे। उसके साथ ही वार्षिक अंक आप कितना पाए थे, इसको भी CGA प्रणाली, यहाँ पर जो भी है आपका वार्षिक प्रणाली CGA प्रणाली, इसको फिल कर सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पर आपको पंजीकरण क्रमांक ये भी चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, मतलब आपका जो इनरोलमेंट नंबर है ये भी चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, और आपका जो पूर्णांक है ये भी दे रहा है। ये सारी चीजें आपको दे रहे हैं यहाँ पर, क्लियर आप लोग देख सकते हो, समझ गए। तो बाकी और कोई चीजें नहीं दे रही, मतलब आप अपना इनरोलमेंट नंबर सही कर सकते हो, अपना जो रिजल्ट है कितना नंबर पाए हो, कितने में से पाए हो, ये सब सही कर सकते हो। बस 4 से 5 चीजें सही कर सकते हो, बाकी बैंक ना चेंज हो रही है, ना तो मम्मी पापा का नेम चेंज होगा, ना तो कॉलेज का नेम चेंज होगा, ना तो IFSC कोड चेंज होगा, ये सब कोई भी चीजें नहीं ओपन हो रही है। बाकी देखो अगर किसी का नहीं अभी तक शो कर रहा है, मतलब आप बोल रहे हो कि सर मेरे में अभी नहीं शो कर रहा है, तो देखो अगर आपका स्टेटस सब कुछ सही होगा ना, अगर आपका स्टेटस सब कुछ सही होगा तो आप में नहीं आएगा करेक्शन के पोर्टल, जिसमें कोई ना कोई गड़बड़ी होगी उसी में आएगा। अगर आपको लग रहा है आप में गड़बड़ी है लेकिन नहीं आ रहा, तो आज शाम तक सबका आ जाएगा, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कल नहीं आया था, आज आ गया है। कुछ लोगों का आवेदन पत्र को संशोधित करने का ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन दिक्कत क्या होगी, अभी उसमें क्लिक करने पर ओपन नहीं हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें शाम तक या कल सुबह तक फिक्स हो जाएंगी, इसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। बाकी आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर होगा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है सोच विशाल, आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।